हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एडुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे अवार्ड एंड ऑनर्स को ही। इसमें फर्दर आज का जो मेन टॉपिक है दैट वुड बी ऑन पद्म अवार्ड्स। कल हमने भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स की जस्ट ले ली थी, मेन मेन फीचर्स देख लिए थे। तो जो आज का मेन फोकस है दैट इज़ ऑन द पद्म विभूषण। तीन अवार्ड्स पढ़ते हैं हम पद्म अवार्ड्स के अंदर, जिसमें से फर्स्ट आज हम अभी कवर कर रहे हैं दैट इज पद्म विभूषण। एज यू कैन सी द पिक्चर, ये इसका मेडल बताया गया है कि पद्म विभूषण में कैसा मेडल मिलता है। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है इसको, क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट पे आता है वो है भारत रत्न, सेकेंड पे आपका पद्म विभूषण, थर्ड पे आपका पद्म भूषण एंड फोर्थ पे आपका पद्म श्री। सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आपका पद्म विभूषण, और एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए ये दिया जाता है। एंड अगर देखें तो साथ में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो अवार्डी होता है। और इनके जो अगर मेडल के लुक पे देखें तो एक लोटस फ्लावर बना हुआ है बिल्कुल सेंटर में, और देश सेवा लिखा हुआ है ऑन द अपवर्ड साइड, इसकी बैक साइड में। सेकेंड अवार्ड जो आता है दैट इज द पद्म भूषण। पद्म भूषण जो है अगर हायरार्की में देखें तो इसका रैंक जो है वो दैट इज़ द थर्ड थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इसको बोला जाता है। पिक्चर इसमें भी देख सकते हो, तो पिछला था एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए, ये है सिर्फ डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। एंड थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इसको बोला गया है, और उनको दिया जाता है जो कॉन्ट्रीब्यूशन ना सिर्फ इंडिया में बट पूरे ग्लोबल सिनेरियो, पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। और प्रेजिडेंट ही इस अवार्ड को देते हैं, और कब देते हैं? ड्यूरिंग द इलेबोरेट सेरेमनी हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन। आपने काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी होंगी, उसमें राष्ट्रपति भवन में बहुत सारे लोग इनवाइटेड होते हैं और उन लोगों को वो अवार्ड दिया जाता है। वो अवार्ड इज बेसिकली, आपने नोटिस भी करा होगा उस टाइम पे साथ में और भी बड़े सारे अवार्ड्स मिलते हैं, बट अभी फोकस जो है दैट वुड बी ऑन द पद्म भूषण। तो ये सेरेमनी के टाइम पे दिया जाता है राष्ट्रपति भवन के अंदर, मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल जैसे में दिया जाता है। जबकि भारत रत्न अवार्ड जो थे देवर गिवन ऑन द रिपब्लिक डे, और साथ में आपके पद्म विभूषण भी, बट ये जो पद्म भूषण है दैट इज ऑन द राष्ट्रपति भवन। आफ्टर दैट पद्मश्री जो है इट इज कंसिडर्ड द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और ये भी डिस्टिंग्विश सर्विसेज में दिया जाता है। कौन कौन सी फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, इंडस्ट्रीज एंड मेडिसिन एट्सेट्रा। तो बहुत सारी फील्ड्स इसमें इंक्लूडेड है। और अगर आप नोटिस करोगे ना तो उस सेरेमनी में क्या होता है, बेसिकली जो पद्मश्री का नंबर होता है इट एक्सीड बियॉन्ड द 100, 100 से भी ज़्यादा अवार्डीज इसमें होते हैं। तो आपको सभी के नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस, भारत रत्न के आपको तीनों के तीनों पता होने चाहिए, मैक्सिमम पाँच हो सकते हैं बट ट्राई करी जाती है कि तीन को दिया जाए। फिर पद्म विभूषण का आपको पता होने चाहिए, फिर पद्म भूषण के शुरू के तीन याद कर लो, एंड पद्मश्री के अगर कुछ खास यूनिक सा कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऑल्दो ये बहुत सारे होते हैं, इतने ज़्यादा नाम याद नहीं रखे जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं मेडल प्लस सर्टिफिकेट। एक मेडल दिया जाता है और सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर मेडल देखें तो इसमें थ्री लीफ्ड फ्लावर होता है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है वर्ड पद्म लिखा गया है, श्री भी लिखा होता है साथ में। देवनागरी लैंग्वेज में मिस्टर और मिसेस के लिए यूज़ करते हैं श्री। तो यहीं पे कंप्लीट होता है आपका पद्म अवार्ड्स का टॉपिक। इसके बाद हम करेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड्स, उसमें जितने भी नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं वो सारे कवर कर लेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।